हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे मराठी और हमारे लेसन का नाम है आमची सहल, यानी कि हमारी पिकनिक। अब मैं पहले इसको पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान देंगे। आमची सहल मधुबन बागेत गेली। बाग सुंदर आणि मोठी होती। बागेत विविध फुला फळांची झाडे होती। झाडावर पक्षी होते। सगळीकडे सुंदर हिरवण होती। बागेत पाण्याचा हौद होता। हौदात कारंजे होते। घसरगुंडी, झोपाळा, सीसॉ होते। सगळे खूप खेळले, खूप मजा आली। बागेत सुंदर सुंदर फुले फुलली होती। फुलाभोवती रंगी बेरंगी फुलपाखरे फिरत होती। मला एक फूल खूप आवडले। ते फूल तोडावेसे वाटले। मी फुलाजवळ गेलो, फुलाला हात लावला, पण लगेच मला आठवले बागेत शिरताना बाईंनी सूचना दिली होती। बागेत सगळीकडे फिरा, गमती जमती पहा, सुंदर पाने फुले पहा, मजा करा, खूप खेळा, पण कशाला हात लावू नका, पाने फुले तोडू नका, ती बागेची शोभा आहे। मी लगेच हात मागे घेतला, फुलांकडे पाहिला, झाडावर फुले डोलत होती, सगळी मुले आनंदाने नाचत होती। बेटा, इस सबक में ये बताया गया है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। हमारी क्लास पिकनिक पर मधुबन बाग में गई थी। बाग निहायत ही खूबसूरत और बड़ा था। बाग में तरह तरह के फूल और फल के दरख्त थे। दरख्तों पर पक्षी थे, यानी दरख्तों पर परिंदे थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बाग में एक हौज भी था। हौज में एक फवारा भी था। घसरगुंडी, जहाँ पर खेलने के लिए घसरगुंडी और झूला, सीसॉ, ये सब खेल थे। सबको खूब मजा आया, सबने खूब एंजॉय किया। और बाग में हर तरफ खूबसूरत फूल सजे थे और फूलों के अतराफ में रंग बिरंगी तितलियाँ फिर रही थी। मुझे एक फूल पसंद आया। मैंने सोचा कि मैं इसको तोड़ लेता हूँ। फिर मैं फूल की तरफ गया। फूल को मैं हाथ लगाने ही वाला था कि मेरे दिल में एक ख्याल आया कि हमारी टीचर ने कहा था कि बाग में हर तरफ घूमो, मज़ा करो, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फूल देखो और खूब मज़ा करो, लेकिन कोई भी फूल तोड़ने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये बाग की शान होते हैं। मैंने फिर झट से अपना हाथ पीछे कर लिया और फूलों की तरफ देखा। वो हर तरफ फूल ऐसे झूल रहे थे जैसे वो बागों की शान हो। सब बच्चे आपस में खेल खेल रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। Please subscribe the channel and press the bell icon.